करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। रामवीर उपाध्याय के निधन से हाथरस और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हाथरस की सियासत के पर्याप्त रहे समझे जाने वाले रामवीर उपाध्याय आखिर मौत से हार गए। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे रामवीर उपाध्याय। आगरा स्थित आवास से देर रात हालत बिगड़ने पर आगरा के रेनबो अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि रामवीर उपाध्याय लगभग 64 वर्षीय रामवीर उपाध्याय मायावती बहन जी के बेहद करीबी कैबिनेट मंत्री थे। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। लगभग 25 साल तक हाथरस की विभिन्न विधानसभा सीट में विधायक रहने वाले रामवीर उपाध्याय की गिनती कद्दावर नेताओं में मानी जाती रही है। उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय जिला पंचायत हाथरस की अध्यक्ष हैं। वह अपने पीछे एक बेटा और दो बेटियां छोड़कर चले गए रामवीर उपाध्याय।